अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स। आज हम देखेंगे कि लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट पॉलिनोमियल्स को किस तरीके से डिवाइड करते हैं। हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स हैं। पहला पॉलिनोमियल है जी 4x² - 5x - 25, इसमें डिग्री 2 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। दूसरा है जी मेरे पास x - 3 में वेरिएबल x की पावर जो है 1 है, इसका मतलब इसकी डिग्री 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल में हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते हुए किस तरीके से डिवाइड करेंगे। हम जब डिवाइड करते हैं किसी भी टर्म को, तो जो टर्म हमारे पास अंदर लिखी जाती है या जिसको हमने डिवाइड करना होता है, उस टर्म को हम डिवाइडेंड बोलते हैं। जो टर्म डिवाइड करती है उसको डिवाइजर बोलते हैं। डिवाइजर जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइडेंड को डिवाइड करता है, उन नंबर्स को या उस फैक्टर को हम कोशेंट बोलते हैं। एट द एंड सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर बच जाता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 बच जाता है, 3 बच जाता है, 4 बच जाता है, कुछ भी बच जाता है उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। तो हम देखेंगे कि डिवाइजर किस तरीके से हमारा गिवन डिवाइडेंड जो है उसको डिवाइड करता है, तो कोशेंट क्या आता है और उसका रिमाइंडर बचता है या नहीं बचता। अगर नहीं बचता तो क्यों नहीं बचता, और अगर बचता है तो कौन सा नंबर बचता है, ये हम देखेंगे जी। हमारा इस क्वेश्चन में डिवाइडेंड है जी 4x² - 5x - 25, और डिवाइडेंड है हमारा, डिवाइजर है हमारा, और डिवाइजर है हमारा x - 3। इसको सॉल्व करने का मेथड ये है कि हमने पहले सारी की सारी जो पॉलिनोमियल की टर्म्स है उनको इग्नोर करके सिर्फ हमने फर्स्ट टर्म को देखना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या डिवाइडेंड की टर्म्स में से, और जो डिवाइजर की टर्म है उसमें हमने फर्स्ट जो टर्म है उसको देखना है। उसको देखने के बाद हमने ये एस्टिमेट लगाना है कि हमारे पॉलिनोमियल की जो फर्स्ट टर्म्स हैं दोनों, ये डिवाइडेंड के लिए जो ये हमारा आंसर है वो कौन सा नंबर हम इस डिवाइजर के वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए यूज करेंगे कि हमारा आंसर डिवाइडेंड की जो फर्स्ट टर्म है इसके इक्वल आ जाए। सबसे पहले हमने वेरिएबल देखना है। यहाँ पे वेरिएबल है x, यहाँ पे वेरिएबल है x की पावर 2, इधर वेरिएबल है x। अब मुझे x की पावर 2 करने के लिए क्या चाहिए, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा x की पावर 1 के साथ, क्योंकि यहाँ पे भी x की पावर 1 है, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा तो बेस सेम और पावर ऐड हो जाएगी तो x की पावर 2 बन जाएगा। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो हमें ये पता लगेगा कि x तो बन गया लेकिन यहाँ पे कोफिशेंट भी है। कोफिशेंट बनाने के लिए यहाँ पे कोई कोफिशेंट ना हो तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 है कोफिशेंट। अगर यहाँ पे 1 कोफिशेंट हो, इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँ कि 4x² बन जाए, तो मैं ये देखता हूँ कि अगर मैं इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये मेरा आंसर 4x² बन जाएगा। x बन गया था यहाँ पे x², ये वाला x यहाँ से x के साथ मल्टीप्लाई करने पे x² बन गया। अब इसको मैं 4 के साथ ही मल्टीप्लाई करूंगा तो 4x² बन जाएगा। इसका मतलब कि जब मैं इस 4x² वाली वैल्यू को डिवाइड करना चाहूंगा तो मैं x वाली वैल्यू को 4x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 4x² बनेगा, क्योंकि 4 एज इट इज आ जाएगा। x की पावर 1 ये है, x की पावर 1 है, मिलके इन्होंने x की पावर 2 बना दिया। काम हमारा यहां तक खत्म नहीं हुआ। अब आगे हमने क्या करना है कि ये जो वैल्यू है लीनियर इक्वेशन में, लीनियर एक्सप्रेशन में ये जो वैल्यू है 3, इसको भी सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके हमने आगे लिखना है। प्लस माइनस, इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस
साइन माइनस आ गया, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12, और x को इधर वेरिएबल कोई नहीं है इस कोफिशियंट के साथ तो 1 है इसका मतलब, तो 1 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज 12x आ गया। जो हमारा रूटीन का कैजुअल मेथड जो है डिवीजन का, लॉन्ग डिवीजन का, उसके अकॉर्डिंग जब हम यहां से इसको मल्टीप्लाई करके आगे सॉल्व करते हैं तो क्या किया जाता है जी कि जो नीचे वाली वैल्यूज होती हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। अगर यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब ये देखिएगा जी, ये प्लस का साइन है, ये भी, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस ये कैंसल आउट हो गए, माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का प्लस का आएगा, 12 में से 5 माइनस किए, 12 में से 5 माइनस किए तो 7x आ गया, और ये माइनस का 25 एज इट इज विद सेम साइन नीचे आ जाएगा। ठीक है जी, अब सबसे पहले जो साइन यहां पे होगा उसी साइन को हमने एज इट इज ऊपर लगा देना है, ऊपर लग गया। सेम मेथड सेम रूल, फर्स्ट टर्म को देखेंगे और इसकी फर्स्ट टर्म को देखेंगे, यहां पे x है यहां पे भी x है, इसका मतलब वेरिएबल सेम है, हमें किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड, यहां पे कोफिशियंट 7 है, यहां पे कोफिशियंट 1 है, 1 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 7 बन जाए, तो वो नंबर 7 ही है, 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 7, एक्स को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया मेरा 7x। माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस माइनस, 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया 21, साइन चेंज, इसका साइन प्लस था ये माइनस हो गया, ये माइनस था ये प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस ये कैंसल आउट, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का माइनस आएगा, 25 में से 21 निकालेंगे तो 4 आ गया। यहां पे मुझे ये पता लग गया कि जब x माइनस 3 को 4x प्लस 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो है इसको डिवाइड करने के साथ साथ 4 का रिमाइंडर बाकी देता है। तो इस क्वेश्चन में ये हमारा क्वेश्चन है, ये वाली वैल्यू हमारी डिवाइडेंड है, ये हमारा डिवाइजर है, ये हमारा रिमाइंडर है। मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि ये जो क्वोशेंट है ये इक्वल है दिस आंसर क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, इसमें साइन माइनस का है तो माइनस लगेगा, डिवाइडेड बाय डिवाइजर। इस जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं कि ये जो है हमारी वैल्यू डिवाइडेंड की, ये कोशेंट प्लस माइनस रिमाइंडर बाय डिवाइजर के इक्वल है जी। तो मेरी कॉम के नौजवानों, आज हमने देखा कि लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज करते हुए हम किस तरीके से दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर सकते हैं। कोडेनिक्स को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे लेक्चर्स को सुनने के लिए मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स यूट्यूब पर या गूगल पर सर्च करें। अल्लाह निगेबान।